कुछ दिन पहले एक शो में गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे, और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रही। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम ये सब गाना गाएं, फ्लो फ्लो में एक ऐसा शब्द निकल गई जो ना सबसे यादव भाई लोग के बुरा लागल, यादव समाज के बुरा लागल। और हमेशा हम कोशिश करें कि कोनो भी ऐसा गाना, कोनो भी ऐसा शब्द ना गाएं, जातिवाद वाला ना गाएं, जगह से क्यों के तकलीफ होके। और एक चीज़ और है कि अगर गलती जो करता है और गलती के एक्सेप्ट कर लस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो फ्लो में अगर निकल गई बा, तो दिल से सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि ये विवाद यहीं ख़त्म हो, विवाद को बढ़ाया ना जाए। अगर हाँ गलती मेरे से ये होती कि मैं रिदम विदम लगा के अपने स्टूडियो में जाके गाना गाया होता, तो ये मेरी गलती होती। इस गलती के मैं माफ़ी के हकदार नहीं था। मैं कितना भी सॉरी बोल लेता, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करते। फिर वही होता कि गाना प्राइवेट कराना पड़ता या जो भी। बट वहाँ पे रिदम लगा हुआ था, जवाब सवाल हो रहा था, उसी बातचीत में सब लोग थे, मस्ती माहौल का मजा, मतलब माहौल था, मस्ती मजाक का माहौल था, और उसमें ये शब्द निकल गया। तो चलिए ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको, जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन उन पंडित जी से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए, मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए। उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। और आप लाइव में आकर बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने बोला तो मैंने उसको ये किया, मैंने वो किया। अब मैं दुनिया को जताना चाहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। कौन पूछने गया था आपसे ये बातें? कोई पूछने तो गया नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया मेरी बेटी के बारे में गलत बोला। बट ठीक है, वो आपका पॉइंट व्यू है, लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया। मैं उस समय जवाब आपका नहीं दिया कि नहीं देना ठीक नहीं है, समय आएगा तो दूंगा। बट आपके घर में भी बेटी पैदा होगी, ईश्वर करे कि आप भी शादीशुदा हैं, ईश्वर करे कि आपके घर में भी वो लक्ष्मी आए, और उस लक्ष्मी का सम्मान है। और शायद जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप सम्मान करना सीख जाएंगे, चाहे यादव की बेटी हो या किसी भी पर्टिकुलर जात की बेटी हो। हमें किसी को हक नहीं है कि हम मन से बोल दें कि ये सपना में आती है, इस जाति की बेटी सपना में आती है, या हम खुलेआम फेसबुक पे आके बोलें कि उनकी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोला तो मैंने उसको डबाला कि भाई मेरे मेरे पास ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कर। अरे बाप रे, धरीचंद्र के खानदान से सब आए हुए हैं इंडस्ट्री में, एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है भाई। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, तो मैं मान लेता हूँ यार कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, फिर मैं जानता हूँ कि फिर आप लोग लाइव आके फाड़ोगे मुंह और ढेर फाड़ोगे और ज्ञान का पुतला बांटोगे। ये ज्ञान जो दुनिया को बांटते हो, कम से कम अपने अंदर भी इसको डाल लो यार, शायद डाल लोगे तो बहुत बेहतर होगी।